हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका शर्मा फ्रॉम counselorsharma.com। आज हम जानेंगे कि आपके सिंगल रहने की वजह क्या है और जब आप ये जान ही जाएंगे तो फिर एक बार ये जरूर सोचेंगे कि इतनी सी बातें मैंने अभी तक क्यों नहीं सोची। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हर कोई अपनी लाइफ में प्यार चाहता है, इसके लिए लोग रिलेशनशिप में आते हैं और पार्टनर के साथ प्यार को एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार लोग अपने प्यार में सफल नहीं हो पाते। काफी चाहने के बाद भी कई लड़के लड़की सिंगल रह जाते हैं। इसके कई वजह हो सकती है। अक्सर लोग सच्चे प्यार की तलाश में आसानी से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं बन पाते। वे दूसरे कपल्स को देखकर खुद के जीवन में भी प्यार और एक साथी की जरूरत को महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब बात रिलेशनशिप में आने की होती है तो वो अपने सोलमेट के इंतजार में ही रह जाते हैं। उनके सिंगल रहने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कई बार लोग अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, इस कारण सिंगल रह जाते हैं। कई बार ब्रेकअप के बाद दोबारे रिलेशनशिप में ही नहीं आ पाते। इस तरह से सिंगल रहने के सबकी अपनी अलग वजह हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब तक आपको आपका पार्टनर क्यों नहीं मिला। पॉइंट नंबर वन, सोलमेट या सच्चे प्यार का इंतजार। लोग सच्चे प्यार के तलाश में होते हैं। किसी बेस्ट इंसान को डेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पार्टनर सबसे परफेक्ट हो। ऐसे में अपने पार्टनर को लेकर कई सारी उम्मीदें रखने लगते हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो रिलेशनशिप को लेकर निराशा बढ़ने लगती है और लोग सिंगल रह जाते हैं। तो इसके बाद आई थिंक मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो ये जानते ही हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है, तो एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। पॉइंट नंबर टू, सिंगल रहने की जिद। जीवन में किसी खास को पाने की चाह या सिंगल रहने के कारण बार बार खुद को अकेला बताने की रट लगाने से भी प्यार में आपकी बात नहीं बन पाती। आप सिंगल होते हैं तो अपने मैरिड या कमिटेड दोस्तों के सामने अक्सर ये कहते हैं कि आपको सिंगल रहना पसंद है। वहीं कई बार आप सिंगल होने का रोना भी रोने लगते हैं। इससे आपके सामने वाला शख्स जो है उसको गलतफहमी हो जाती है कि आप सिंगल ही रहना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप को लेकर कुछ ज्यादा ही डेस्परेट है। तो प्लीज प्लीज आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आप हैप्पीली सिंगल रहना चाहते हैं या फिर जेन्युइनली एक अच्छे रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं। इससे आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाएंगे। एंड यू नो व्हाट वी कॉल इट, माइंडसेट। क्लियर योर माइंडसेट। पॉइंट नंबर थ्री, आपकी आदतें। कई बार आप रिलेशनशिप में आते आते सिर्फ इस वजह से सिंगल रह जाते हैं कि आपकी आदतें आपके साथ रिलेशनशिप में आने वाले पार्टनर को पसंद नहीं आती। तो आप अपनी लाइफ को लेकर जो भी नियम कायदे बना लेते हैं उससे किसी के लिए भी बदलना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आप को कंप्लीटली बदल दीजिए, पर दूसरों को एडजस्ट करने का थोड़ा बहुत तो स्पेस छोड़ ही सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, कूल डूड बनने की कोशिश। आपकी बेफिक्री ही आपके रिलेशनशिप के रास्ते में आ सकती है। अक्सर कूल डूड बनने की कोशिश में आप अपने करीब आने वाले शख्स को खुद से दूर कर देते हैं और रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। उन्हें वहम होने लगता है कि आप किसी को डेट करना ही नहीं चाहते और आपको जल्दी कोई शख्स पसंद नहीं आता। इसका कारण भी आप सिंगल रह सकते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, ब्रेकअप। अक्सर ये देखा गया है कि एक रिलेशनशिप में फेल होने के बाद आप दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। ब्रेकअप के बाद आप सिंगल हो जाते हैं और लेकिन आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस प्यार और रिश्ते को लेकर कंप्लीटली हिल चुका होता है और सिंगल रहना आपको ज्यादा सूटेबल
महसूस होता है। पॉइंट नंबर 6, बेकार की एक्सपेक्टेशंस। आपका राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा और हाथों में लाल गुलाब के फूल लेकर आपको प्रपोज करेगा। वो बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम होगा और उसका दिमाग आइंस्टाइन से भी तेज चलता होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सपनों की दुनिया से प्लीज बाहर आ जाइए, क्योंकि ऐसा सिर्फ फिल्मों और सपनों की दुनिया में ही हो सकता है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपको और आपके पार्टनर को, दोनों को मिलकर आपकी लाइफ को सपनों की दुनिया जैसा बनाना होता है। तो ये थे कुछ टॉप 6 रीजन जिनकी वजह से शायद आप अभी तक सिंगल हो। अगर इसके अलावा आपके अपने कोई पर्सनल रीजन हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और थम्स अप भी कर सकते हैं। आपसे मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे 8:09 PM किसी और न्यू टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए जैसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएं। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।